वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सैनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स और आज की हमारी एक्सरसाइज है 4.1। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने सोल्व किए थे क्वेश्चन 1 to 6। आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सो विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग सो दैट 11 इज ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पर हमें कुछ पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है 1111 और इसे हमें बिना डिवाइड किए शो करना है कि 11 इसका कोई फैक्टर है। सो 1111 को लिख सकते हैं हम कैसे, 1100 प्लस 11 अब भी वही नंबर है, इक्वल टू 1100 को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 1, राइट। सो दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इधर 11 मल्टीप्लाई 100 और प्लस 11 मल्टीप्लाई 1, दोनों में से कॉमन आ गया 11, ब्रैकेट में बचा 100 प्लस 1। सो 11 मल्टीप्लाई दोनों को ऐड किया तो हो गया 101। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तो 1 आ गया, 0 में चलेगा तो 1 आ जाएगा और 11 तो अब भी क्या होगा, 1111 ही होगा। सो क्लियरली दैट वी कैन से 11 इज ए फैक्टर ऑफ 1111। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी बी की, पार्ट बी को हम देख लेते हैं। 11011 को हमें शो करना है कि 11 को इसका क्या है, फैक्टर है। सो 11011 को हम लिख सकते हैं 11000 प्लस 11। सो इसको 11000 को क्या लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 11 मल्टीप्लाई 1। सो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 11 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा कितना, 1000 प्लस 1। सो 11 मल्टीप्लाई 1001। क्लियर दैट 11 इज ए फैक्टर ऑफ 11011। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इज देयर एनी नेचुरल नंबर हैविंग नो फैक्टर्स, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं है, येस yes, बिल्कुल है। रिक्वायर्ड नंबर इज 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो अपने आप से, यानी कि 1 केवल 1 से ही कट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें, राइट द नंबर हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 1, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या होता है, केवल 1 ही होता है, बाकी किसी और नंबर से वो नहीं कटता है। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, सो फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 and 50 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो हमें 1 और 50 के बीच के ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर ही हों। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से वो नंबर हैं जिसके 3 फैक्टर हैं केवल, बाकी कोई और फैक्टर नहीं है, तो 4 है, 9 है, 25 है और 49 है। देखते हैं कैसे, 4 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर क्या होते हैं इस नंबर को, जो इससे छोटे नंबर पूरा पूरा कट कर दें या ये नंबर भी खुद हो, ओके। तो क्या होगा, 1 सभी नंबर्स को कट कर देता है, ये फैक्टर है, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4, तो 1 2 3 3 इसके फैक्टर हैं। 9 की हम बात करें तो 9 को भी 1 3 और 9 से पूरा पूरा कट हो जाता है, बाकी किसी से एक कट नहीं होगा, तो ये 3 इसके फैक्टर हो गए। 25 की बात करें तो 1 5 और 25 ही इसके फैक्टर होंगे। 49 में 1 7 और 49, क्योंकि 49 जा 49 और 7 से हम कट करेंगे तो 7 7 जा 49 और 49 1 जा 49। तो ऐसे नंबर्स 1 to 50 तक के कौन से होंगे, 4 9 25 और 49 ही ऐसे 4 नंबर्स हैं जो जिनके एग्जैक्टली फैक्टर कितने हैं, 3 हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें सभी क्वेश्चंस की और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।